दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी हम कोई हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव मैकबुक के किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो फाइल को कॉपी नहीं करता है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में। ओके, तो इसी का सॉल्यूशन आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसके बारे में पूरा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों इसका ट्रिक जो है, ये आइडिया बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा सा है। ओके, तो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल ह्यूमन टेक। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक फटाफट पहुंच सके। मैं इसी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूं, आप जाके और भी पुराने वीडियो देख सकते हो। और अगर इससे थोड़ा सा भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो हार्ड डिस्क लगा के रखे हैं। एक जो है ये WD का है हार्ड डिस्क, वेस्टर्न डिजिटल का। ये जो है ये पेयर्ड हार्ड डिस्क है जो कि मेरे मैकबुक के साथ ये पेयर हो चुका है, यानी कि मैं इसमें कोई भी फाइल डाल सकता हूँ और इसमें से कोई भी फाइल निकाल सकता हूँ। ओके, और ये जो दूसरा हार्ड डिस्क है ये है तोशिबा का हार्ड डिस्क। ओके, तो इसमें जो है ये मैं कोई भी कंटेंट डाल नहीं पा रहा हूँ, ये है इसका प्रॉब्लम। ओके, तो शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। देखिए, एक फाइल मैं उठा के इस हार्ड डिस्क के अंदर डाल रहा हूँ बट ये फाइल नहीं जा रही है और ये बार बार अपनी जगह पे चली जा रही है। और बट मैं जब इसमें से कोई फाइल कॉपी करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो ये फाइल कॉपी होती है। ओके, कट पेस्ट नहीं हो रहा है बट डायरेक्ट कॉपी हो रहा है फाइल। ओके, जो पेयर हार्ड डिस्क नहीं है तोशिबा का, ओके, इसमें से मैं कोई भी कंटेंट बाहर निकाल पा रहा हूँ बट इसमें कोई भी कंटेंट मैं अंदर नहीं डाल पा रहा हूँ। आप देखिए, ये कोई भी कंटेंट अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम, इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने दो हार्ड डिस्क कनेक्ट किए हैं। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए कनेक्ट किए हैं आपको, आपको दो हार्ड डिस्क कनेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जनरली होता क्या है कि मैकबुक में तो स्पेस ऑलरेडी कम रहता है, 128 GB या 256 GB वगैरह रहता है मैक्सिमम। ओके, तो इस वजह से मैंने दूसरा हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है ताकि मैं इसके कंटेंट्स को, ये तोशिबा वाले के कंटेंट को, मैं ये WD में कॉपी कर सकूँ। मैं मैकबुक में कॉपी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसका जो साइज़ है ये बहुत ही ज़्यादा है। अब चलिए मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे गए हम गेट इन्फो में, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये जो है 2 TB का हार्ड डिस्क है। ओके, इसी वजह से 2 TB तो मैं मैकबुक में इसका फाइल पूरा का पूरा कॉपी नहीं कर पाऊँगा, इसी वजह से मैंने दूसरा हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है। आपको दूसरा हार्ड डिस्क कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। आपको यहाँ देखना है, देखिए यहाँ पे NTFS जो है ये फाइल सिस्टम है। ठीक है, NTFS फाइल सिस्टम ये चलेगा नहीं मैकबुक में। ठीक है, तो हमको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ओके, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस हार्ड डिस्क को जिसको हम मैकबुक में यूज करना चाहते हैं, जो कि मैं पहले से विंडोज़ पे यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैकबुक में यूज नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो हम इसके पूरे फाइल्स को हम कॉपी कर लेंगे, अदरवाइज ये जो डेटा है ये चला जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है फाइल जो है ये मैकबुक में मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मैंने दूसरा हार्ड डिस्क कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो देखिए दूसरा जो हार्ड डिस्क है, यहाँ पे मैंने एक बना लिया है फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर बनाया जा सकता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने हार्ड डिस्क कॉपी तोशिबा। ओके, इस फोल्डर को ओपन किया मैंने, अभी यहाँ से मैंने सभी फाइल्स को सेलेक्ट ऑल कर लिया। ठीक है, कमांड ए, और ये पूरे फाइल को मैं यहाँ पे इसमें मूव करूँगा। ठीक है, इस हार्ड डिस्क के अंदर जो कि पेयर्ड हार्ड डिस्क है, मैं मैकबुक में कॉपी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पे इतनी जगह नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कॉपी करने के लिए अभी इसको छोड़ दिया, अभी ये जो है धीरे धीरे कॉपी हो जाएगा। तो यहां पे मैं वीडियो पॉज करूंगा। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, इसका साइज, फाइल का साइज बड़ा है। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मेरा हार्ड डिस्क है जिसका मैं फाइल सिस्टम चेंज करने वाला हूँ, देखिए NTFS से मैं इसको चेंज करके दूसरा फाइल सिस्टम बनाने वाला हूँ, तो इसके जो फाइल्स थे जो कि डिलीट हो सकते थे, इरेज हो सकते थे, इसको मैंने कॉपी कर लिया, बस इतना ही किया। ओके, तो करीब करीब 500 GB का फाइल था, तो इसको कॉपी करने में मुझे 2 घंटे लग गए। ओके, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लगा, यानी ये वीडियो बनाने में मुझे करीब करीब 2.5 घंटे लग गया एक तरफ से शूटिंग करने में। मैं प्रैक्टिकली करके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ और दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो है मैंने इसको, इसके जो फाइल थे जिस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने वाला तोशिबा का, इसको मैंने जो है कॉपी कर लिया है ताकि इसके जो डेटा डिलीट हो जाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से आप जो है फाइल को कॉपी कर लेना जिस हार्ड डिस्क को या जिस पेन ड्राइव को आप मैकबुक के साथ कंपेटेबल बनाने वाले हो। ठीक है, ताकि उसके डेटा आप इरेज ना हो जाए। ठीक है,
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसका जो फाइल सिस्टम है ये NTFS है। हम डिस्क यूटिलिटी को टाइप करेंगे और सर्च करेंगे ओके, ऊपर जो लेंस वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन वहाँ पे जाके यानी कि फाइल को सर्च करेंगे ओके। तो यहाँ पे हमने डिस्क यूटिलिटी टाइप कर दिया, तो यहाँ पे देखिए जो मैकबुक का जो इंटरनल हार्ड डिस्क वो दिखा रहा है, और उसके बाद ये अभी तोशिबा का हार्ड डिस्क है जिसको हम फॉर्मेट करने वाले हैं वो शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 TB है, यहाँ पे हम इरेज पे क्लिक करेंगे ओके, और हार्ड डिस्क को जो नाम देना चाहते हैं हम वो नाम यहाँ पे दे देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं हिमांशु तोशिबा टाइप कर रहा हूँ ओके, बट इतना लंबा इतना ज़्यादा करेक्टर लेगा नहीं, तो वट एवर आपको जो भी नाम पसंद है आप उसको आप हार्ड डिस्क को नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, आप नीचे जाके हम ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन में फाइल सिस्टम के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे EXFAT ओके, तो इसको चूज़ करेंगे हम, और उसके बाद हम इसको इरेज करने के लिए बोल देंगे ओके। तो ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है, फैट सिस्टम नहीं करेंगे हम ओके, क्योंकि उसके कुछ लिमिट्स है, तो हम EXFAT को चूज़ करेंगे ओके। तो अब ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क फॉर्मेट ओके, यानी जो हार्ड डिस्क है इसका जो डेटा है वो पूरा का पूरा इरेज हो गया, इसी वजह से हमने इसको कॉपी कर लिया था पहले ही ओके। एक बार फिर से हम इसको इरेज कर लेंगे अपने सुविधा के लिए, ताकि अच्छी तरह से पूरी तरह से इरेज हो जाए ओके। डन हो गया, बस ये आपका जो अब हार्ड डिस्क है ये तैयार हो चुका है पूरा का पूरा मैकबुक के ऊपर यूज करने के लिए, ठीक है। एक बार हम इजेक्ट कर देंगे इसको ओके, अपने सुविधा के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से वापस डिटेक्ट करे और फाइल सिस्टम को अच्छी तरह से फिर से रीड करे वो, ठीक है। तो वापस हम इसको कनेक्ट करेंगे अभी, तो देखिए हमने इसको अभी कनेक्ट कर दिया वापस से, जो हार्ड डिस्क हमने फॉर्मेट किया था इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिटेक्ट भी कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है ओके। तो हमारे पूरे के पूरे फाइल इरेज हो चुके हैं। अभी देखिए मैं जो फाइल कॉपी कर रहा हूँ तो बाकायदा बहुत अच्छी तरह से ये कॉपी हो पा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी चाहे वो फाइल को आप कॉपी कर लीजिए ओके। अभी ये आपका जो हार्ड डिस्क है ये कॉम्पेटेबल हो चुका है मैकबुक के लिए भी एज वेल एज विंडोज़ के लिए भी ओके। तो यहाँ पे हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है आपका प्रॉब्लम सॉल्व, और आप जितना भी चाहे फाइल को कॉपी कर सकते हैं ओके। अभी ये जो है आपका हार्ड डिस्क कॉम्पेटेबल हो चुका है मैकबुक के लिए और विंडोज़ के लिए दोनों के लिए ओके। तो दोस्तों मैं इसी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियोस लेके आते रहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह के कोई भी वीडियोस बनाऊँ आप तक फटाफट पहुँच सके। और दोस्तों अगर आपको ये ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको फ़ायदेमंद हुआ होगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम, जय हिंद।